जीरो दोस्तों, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा सफर है जी स्वर्णभूमि एयरपोर्ट से बैंकॉक से लेके लाहौर तक। तो मैंने चूज किया TG 345 थाई एयरवेज, जो कि जाएगी 4 घंटे 40 मिनट में। तो देखते हैं ये सफर कैसा रहता है मेरे साथ सफर के। दोस्तों, मेरी फ़्लाइट है जी पाकिस्तान के 6 बजे और ये लाहौर पहुंचेगी जी पाकिस्तान के 10:30 से 35 मिनट, यानी कि 4 घंटे 40 मिनट की फ़्लाइट है। ये देखो खूबसूरत स्वर्णभूमि एयरपोर्ट बैंकॉक थाईलैंड। I bet you cannot visit even for 2 days. हर तरफ लोग ही लोग, हर तरफ एयरलाइंस। This is bad. ये है रिस्ट्रा। Oh yeah. Thank you. ये है जी मैंगो फैशन फ्रॉम एयरपोर्ट। दोस्तों, बोर्डिंग गई है मेरी हो, तो मैं वेट कर रहा हूँ अब अपने जहाज का। अभी टाइम है, बाकी सारी बातें जो होगी जहाज के अंदर और पाकिस्तान लाहौर। दोस्तों, ये जो एयरपोर्ट है स्वर्णभूमि एयरपोर्ट, ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत। जब भी आप लाहौर जा रहे हो तो आप यहाँ पे ख़रीदारी भी कर सकते हैं, आपको हलाल चीज़ें भी मिलती हैं, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, और सफाई है और सिस्टमेटिक चीज़ें हैं सारी। बाकी जो लाहौर का एयरपोर्ट है वहाँ जाके मैं आपको बताऊँगा, और जहाज़ के ऊपर ये सारी चीज़ें होगी आपके साथ बात है जी। थाई एयरवेज और ये जो टिकट है मुझे तकरीबन पड़ी है जी 2300 जुआन की, और एक जुआन 41 का है, तो आप खुद ही हिसाब लगा दें PKR में कितना बनता है। लेकिन आई सजेस्ट यू कि जो थाई एयरवेज है ये बहुत ही अच्छी और कम्फर्टेबल है। हमारा सफ़र है जी बैंकॉक टू लाहौर। ये है जी प्रॉन्स पेस्ट्री नट्स, ये बन, और ये है जी स्पाइसी चिकन विद राइस, ऊपर अंडा है जी। ये है जी खाना थाई एयरवेज की तरफ से, लेट्स ट्राई जी। तो फाइनली जहाज कर गया है लैंड लाहौर।